मध्य प्रदेश के बड़वाह विकासखंड में श्री हरि के छठवें अवतार भगवान परशुराम की जयंती 25 अप्रैल शनिवार को मनाई गई। लॉकडाउन के दूसरे चरण के चलते इसको कोई भी बड़े आयोजन के साथ में नहीं मनाया गया। प्रतिवर्ष एक भव्य आयोजन होता था। नर्मदा तट स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पंडित सुभाष चंद्र व्यास, प्रीतेश व्यास, सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुबोध और इसके अलावा पंडित अशोक तिवारी, अजय तिवारी सभी ने लोगों से अपील की थी कि जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाएं, लेकिन सार्वजनिक कोई भी बड़ा आयोजन ना करें। भृगुकुल नंदन जमदग्नि और माँ रेणुका के आत्मज परशुराम जी का आज जन्मदिवस वैशाख शुक्ल तृतीया में प्रदोष काल में परशुराम जी का जन्म हुआ है। आज चूँकि परशुराम जयंती है, अतः सभी विप्रों को पहले तो परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएँ। सभी विप्रों ने अपने यथोचित ढंग से परशुराम जयंती यज्ञ के माध्यम से, किसी ने दान के माध्यम से, किसी ने तीर्थ जलों का स्नान करके और अनेक विधि पूर्वक परशुराम जयंती को आज सब विप्र लोग मना रहे हैं। आज प्रातः काल से ही वेद पाठ, संध्या और पंचकर्म करते हुए परशुराम जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। पश्चात यज्ञ के माध्यम से सभी विप्रजनों ने इसमें भाग लिया और प्रार्थना पूर्वक यही कामना की है कि इस महामारी से भगवान परशुराम भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को मुक्त करे, क्योंकि हमारे वेदों में कहा है विश्वस्य दूतम अमृतम विश्वतश्चक्षु रुत देवाः। हमारे वेदों में संपूर्ण विश्व की बात की है, न कि केवल भारत की या किसी नगर विशेष की। तो संपूर्ण विश्व इस महामारी से मुक्त हो, हम सभी लोग परशुराम जी से यही कामना करते हुए आज इनका पूजन कर रहे हैं। परशुराम जी का जीवन में परशुराम जी ने कई प्रकार की शिक्षाएं दी है, उसमें मुख्य रूप से तीन शिक्षाएं हैं। एक तो यज्ञ रूपी शिक्षा है, जब उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया तो उसके पश्चात में महर्षि कश्यप के आचार्यत्व में उन्होंने यज्ञ संपन्न करा, तो वो यज्ञ की शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी शिक्षा है उनकी गौ की, गौ पालन शिक्षा। तो जो कामधेनु, जो विशिष्ट धेनु थी देव लोगों की, वो धेनु इनके पिताजी के आश्रम में ही रहती थी। और तीसरी शिक्षा है, जो मुख्य शिक्षा है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम सभी को उसका पालन करना चाहिए, जो आज वर्तमान में इस प्रकार की महामारी फैली है उसमें वो शिक्षा परशुराम जी दे रहे हैं कि दान की शिक्षा। परशुराम जी ने अपने गुरु को, अपने आचार्य को, कश्यप ऋषि को समस्त पृथ्वी का दान यज्ञ के पश्चात किया है, और इसी से वो हमें ये संदेश भी दे रहे हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार का ये हम व्यवधान का सामना कर रहे हैं रोग रूपी, उसमें हमें भी दान करना, लोगों की सहायता करना, जो निराश्रित है, जो आप्तजन है, और गो सेवा करना, अन्य पशु पक्षियों की सेवा करना, इस प्रकार से ये करते हुए भी परशुराम जयंती मनाई जा सकती है। आज दिनांक 25 तारीख को परशुराम जयंती महोत्सव है। लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते परशुराम जयंती सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई गई, जिसके कारण सभी ब्राह्मण परिवारों ने अपने अपने घर में ही परशुराम जी का हवन पूजन अर्चन करके आरती एवं प्रसादी की है। साथ ही सभी से ये कहना चाहूँगा कि परशुराम जी के मार्गदर्शन में, परशुराम जी के आदर्शों पे चले एवं वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का एवं शासन के निर्देशों का पालन करें। जय श्री परशुराम।